हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल वंदना पर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ, बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में। तो फ्रेंड, करते हैं अपने एक न्यू ब्लॉग की शुरुआत। तो नहा धो के पूजा वगैरह कर ली थी मैंने, और मुझे बनाना था खाना। तो खाना बनाते हैं तो मैंने, मैं कच्चा सब किया नहीं था, नहीं बना लिया था, क्योंकि वंदना को लगी थी बहुत ही तेज की भूख। तो सुबह अभी नाश्ता नहीं बना पाई थी क्योंकि वो ही बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो उसके बाल कटे हैं ना, 2-3 दिन हो चुके हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। तो जब बच्चे के पहली बार बाल कटते हैं तो वो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं झोरा तो मान ही जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है गौरी के साथ भी। और भूकंप किस तरह हो, किस तरह आ रहा भूकंप? यू वाक देखो भाई, भूकंप आ गए, चुपते हिल रहे हैं। और ये छुप गए स्टोर में, ये आगे निकल गए। गौरी को उठा दियो, गौरी को नहीं उठाना। चलो बाहर ही खेल लो। गेट बंद हो गए थे भूकंप पर। अब करो ना, कर दे। तो ये रूस की दीदी, दीदी रूस की निकल, दीदी रूस से ना इसने कहा था, दीदी रूस से ना निकल, कर ले लाड करवा ले अपने मुंह पे, निकल ले निकल, मैं खड़ा होगा। एक रूस की चुटिया की खोलनी जब तू नहीं करना शर्ट, कौन सी वाली समोसे? हाँ। देखेंगे शाम को, बनाऊंगे समोसे, तेरे डैडी बुलाऊंगे रिफाइंड। तो जी आज मैं बना रही हूँ आलू का रायता। तो ये ले लिया है मैंने, दही दही ले ली है, और ये ले लिया है आलू। तो आलू मैंने उबाल लिए थे, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ दही को, और थोड़े से आलू मैश कर लेती हूँ जितने इसमें डलेंगे। तो वंदना की डैडी और मैं और वंदना ही हैं, गोरी तो अभी खाती हैं। तो चलिएगा बना लेते हैं आलू का रायता। और इधर मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। तो अब सबसे पहले छोंक देते हैं उसको, दही को। तो दही में तड़का लगा देते हैं। तो इसमें डाल दिया है मैंने सरसों, और ये ले लिया है रिफाइंड। तो अब इसमें गैस पर रख देती हूँ जला कर। तो उसको सरसों का कलर करना है चेंज। मैं अभी आई थी ना क्या, तो भूख लग गई थी वंदना को बहुत देर, तो मैंने मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है। तो सबसे पहले मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए नहाते सार के किचन में। तो आज बहुत सारे कपड़े धुले हैं, तो इसीलिए काफ़ी टाइम लगा, और झाड़ू पोछा सब काम कर लिया है मैंने। तो इस आटा भी लगा लिया है, और रायते में तड़का लगा देती हूँ सबसे पहले। और ये देखो इधर हमारा जो लग रहा है, तो मैं इस चमचे में ही कर रही हूँ क्योंकि राई बहुत ज़्यादा तिड़कती है। तो देखो हम सबसे पहले लगा देते हैं छौंक। देखो तो देखो तड़का लगाने में कितना धुआं निकला है। हमारे अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया था, और नमक भी डाल दिया है, और मिर्ची भी, और बस इसमें मुझे आलू डालने बच की रह गई है, मैंने इसमें डाल दिए हैं। और देखो हमारा रायता बनकर हो चुका है तैयार, और अब सेक लेते हैं। हो गया, तो इधर मैंने तवा रख दिया है रोटी सेकने के लिए। तो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ क्योंकि फिर गोरी रोने लगेगी। गोरी को मैंने निला के धूप में लिटा रखा है क्योंकि अच्छी खासी धूप निकली है आज, बिल्कुल भी हवा भी नहीं चल रही है। तो देखो जी रोटी बनाते बनाते गोरी उठ गई थी, और गोरी को ले ले रही, सेकनी पड़ रही मुझे रोटी। और ये देखो जी गोरी को, ये मैंने ऐसा गोदी में ले रखा और रोटी सेकने आई। और ये सो रहे ड्यूटी पास आ गए हैं उठने, हम भी ले रखा।
उठना नहीं यहाँ, दिन में नींद पूरी नहीं होती, रात को ही हुआ है, उठ जाओ। पूरी रात जाग के और अब दिन में सो रहे हैं, और अब नहीं सोने दे रहे ना, काम पड़ा। देखो इन्हें नींद आ रही है। तो जी 2-3 घंटे सोने के बाद में वंदना की डैडी गई हुए खेत में, अभी अभी निकले हैं हमें, तो आप पशुओं का चारा लेके आ जाएंगे, क्योंकि पशुओं का चारा लाना भी ज़रूरी है, और फिर जाना है उनको ड्यूटी पे ही, रात की ड्यूटी लग गई है उनकी, तो दिन की तो नहीं करेंगे, तो सोना भी ज़रूरी है काम के साथ साथ में। लेकिन वो है ना कि घर रहते हुए सोने नहीं दिया जाता, क्योंकि छोटे बच्चे भी है, दिन में शोर करते हैं, रात में तो एकांत में सो जाते हैं सभी, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। लेकिन क्या है, जब रोज़ की दिनचर्या बन जाती है कि ये ही करना है, वो करना है, वो करना है, तो ऐसे ही अपना टाइम टेबल बना लेंगे, तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसा ही कुछ सॉरी वंदना के डैडी के साथ भी हो रहा है। तो चलिए को फ्रेंड्स, मैं दिखाती हूँ आपको बाहर का मौसम, बहुत अच्छी खासी धूप निकली हुई है। तू तो रोने है ही, तो ये देखो जी कितनी अच्छी खासी धूप निकली और मौसम हो रहा है बिल्कुल साफ और बढ़िया, सूर्य देवता निकल गए। और देखो कितने सारे कपड़े धो दिए, कितने सूख गए उतने तो बना देते हैं, और गिल्ले गिल्ले भी पड़े हुए हैं। तो आज कमली वगैरह सी स्वेटर मोटे मोटे से कपड़े धोए आज मैंने, और दोनों बहनों को नहला भी दिया था, तो इसीलिए बहुत सारे कपड़े उठे, दोनों तार भर रहे थे और मैं दोनों ने यहाँ से भर रहे थे वो वाला भर रहा। तो यहीं पर करते हैं अपने ब्लॉग का एंड। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, राम राम, धन्यवाद। तो चिको ही तुम।